अपने देश में फाइजर का वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है। चले बोले आगे। देखिए हम लोग आज हम लोग बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम लोग को देखना आज। ये बात तो हम आपको बहुत दिन से बता रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा कि सर आपको जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करता हो, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को जो कवर करता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से आते हैं। तुम चाहो तो सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी बुला सकते हैं उसको जी, ठीक है। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, आपको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर आपको बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सबसे लिविंग पार्ट होता है जी, ठीक है। लिविंग लिविंग पार्ट होता है। लिविंग पार्ट का क्या मतलब समझते हैं हम लोग, जो ग्रोथ कर सकता हो, है ना, शेप चेंज कर सकता हो, कैन ग्रो, ये ग्रो करता हो। जैसे मान लीजिए सेल में खूब खाना भर जाए, जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सबसे आउटर लेयर का नाम क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके नीचे क्या देख रहे थे हम लोग, सेल वॉल, और उसके भी नीचे क्या देख रहे थे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हो आप, ये बढ़ सकता है घट सकता है सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते हैं, इसको पीएम शॉर्टकट में करें हम, तो ये आपको क्या कर सकता है, ग्रो भी कर सकता है और है ना जी, और है ना डिक्रीज भी कर सकता है जी, डिक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है जी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब जाएगा तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस सिचुएशन को हम लोग डिफाइन करते हैं सर, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन घट सकता है बढ़ सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग लिविंग के नाम से बुला लिविंग के नाम से हम लोग बुला सकते हैं, ग्रो कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। हमने आपको कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जी, ठीक है। इनर मोस्ट एनवेलप है जी, ठीक है। इनर मोस्ट एनवेलप है, एनवेलप ऑफ है ना आपको प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे भीतर का सेल होता है ये, प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अंदर का दिखा देता है। और भारी बात क्या है सर कि इन लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक के जैसा होता है, थोड़ा ही बहुत अंतर होता है जी, ठीक है, हल्का फल्का ही अंतर होता है। देखिए आपको बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक पीएम एंड यूकैरियोटिक पीएम, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम इन नेचर। ये दोनों क्या होता है आपको, सेम इन नेचर में होता है, ठीक है। सेम इन नेचर मतलब क्या, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होता है सर आपको, ये सेम होता है, ठीक है। प्लाज्मा में जो देखते हैं हम लोग है ना जी, ये आपको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या देखते हैं हम लोग, सेम देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और हमने ये भी कहा था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा का बनावट और यूकैरियोटिक सेल का बनावट एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे, जब इसके बाद एक दो पेज पलटोगे ना तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है, उसमें तुमको प्लाज्मा बढ़िया से समझा दिया जाएगा नोट्स के साथ भी, ठीक है, इसलिए आपको इंतजार करना होगा। हाँ लेकिन एक बात अभी यहीं पे कर लेते हैं कि सर इन लोग का जो प्लाज्मा होता है ना, हम लोग का ही प्लाज्मा, इन लोग का ही प्लाज्मा सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल, ये दो अलग अलग शब्द है जी, ठीक है। सेलेक्टिव परमेबल और क्या होगा सर आपको, एंड सेमी परमेबल, दोनों आपको होते हैं सर, लेकिन दोनों का अलग मीनिंग होता है। जो आप 9th के साइंस में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बट आगे जाके आप लोगों को ये सुनना अच्छा से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो आपको मतलब ये फीचर्स है, ये एक सेमी परमेबल होता है। सेमी मतलब कि सर देखिए, मान लीजिए कि हम अपने यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा भाई भी यहीं पे बैठा हुआ है, कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है अंदर की ओर, ठीक है जी, हम करें अंदर आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई बोला नहीं अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है, चाहे जो हो जाए, ठीक है, तो बेचारा कंफ्यूज रहे ना, एक आदमी बुला रहा है हमको, एक आदमी नहीं बुला रहा है, तो सेमी हो जाता है। सेमी कि आधा आपको अलाउड है आधा अलाउड नहीं है, तो तुम इससे कुछ सेंस निकालो, कॉमन सेंस निकालो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल के साथ ऐसा ही बिहेव करता है, किसी केमिकल को कहता है कि आने के लिए, किसी केमिकल को कहता है नहीं आने के लिए, और किसी केमिकल को कहता है बीच में रहो भाई, तुमको ना अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे। तो ऐसे केस के लिए हम प्लाज्मा को क्या नाम देते हैं, सेमी परमेबल के नाम से लाते हैं। और सेलेक्टिव परमेबल, प्लाज्मा जिसको चाहेगा उसी को अंदर लाने देगा, सारे केमिकल को अंदर नहीं आने देगा, देख रहा है इस केमिकल से हमको ये फायदा है उसको अंदर ला दिया, इस केमिकल बाहर निकालने से हमको ये फायदा होगा तभी उसको बाहर निकालेगा, नहीं तो सर सब कुछ को अंदर नहीं बुलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना ही सब कुछ को बाहर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। सेलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल ये दो अलग अलग टॉपिक है, दोनों अलग अलग टॉपिक को समझाया जाएगा जब हम लोग अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो
लेकिन एक बात और देखते हैं सर, कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगला एक एक दो पेज फोटोग्राफ पलटाइएगा तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है जी, ठीक है, उसमें हम लोग डील कर लेंगे। हालांकि हम आपको ये यहीं पे हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, और हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये अंतर है जी, देखिए डिफरेंस, मोटा मोटा डिफरेंस लिख रहे हैं, पीएम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंस इन, है ना जी, जगह यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए जिसको ऑफलाइन चलेगा 12 दिन में, यही बैच कल से, है ना, कल तो शायद फ्राइडे है, कल छोड़ आगे राफिया, हम बता रहे थे कि आपको प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम इन नेचर, दोनों का नेचर क्या होता है, सेम होता है ना, और आपको स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस भी होता है जी, ठीक है, और वही डिफरेंस हम लिख रहे थे बोर्ड पे, है ना जी। प्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, प्रो माने प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू माने यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमको जो डिफरेंस है वो बताते हैं। पहला डिफरेंस क्या है सर, कि इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है जी, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक तो चर्बी को बोलते हैं हम लोग, फैट, फैट का ही दूसरा नाम है कोलेस्ट्रॉल। कभी देखते सफोला का प्रचार आता है गुड कोलेस्ट्रॉल करके, तो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है ना, इसमें क्या होता है सर, आपको पाया जाता है, ये एक डिफरेंस है जी, ठीक है, प्रेजेंट होता है। क्लेरोराइजेशन क्या होता है, इसमें आपको सेल वॉल से कवर होगा ऑलवेज, है ना, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज कवर विद द सेल वॉल एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्म को छोड़ करके, बट पीएम कवर होता है, कवर बाय है ना, आपको किससे कवर होता है सर, आपको सेल वॉल से कवर होता है सर। इसमें जरूरी नहीं कि सर सेल वॉल से कवर हो, एनिमल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं सेल वॉल से कवर नहीं होता है, प्लांट का सेल वॉल को फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर होता है, पीएम मे और मे नॉट बी कवर बाय प्लाज्मा, मे और मे नॉट बी कवर बाय, मे नॉट नॉट बी कवर बाय पीएम, ये सॉरी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल से कवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट क्या है सर हम लोग के लिए, कि सर इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, कल अब है ना, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हेलो जा रहा ना आवाज, उसमें लोग क्या देख रहे थे, तीसरा पॉइंट क्या, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, पीएम कवर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक और बात क्या देख रहे थे, कि इसमें मीसोसोम होता है सर, इसमें मीसोसोम एब्सेंट होता है, मीसोसोम आज हम लोग यही पढ़ेंगे आज, कि मीसोसोम क्या होता है, मीसोसोम प्रेजेंट होता है जी, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, मीसोसोम एब्सेंट होता है जी, मीसोसोम प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, मीसोसोम प्रेजेंट एब्सेंट होता है, मीसोसोम, है ना, मीसोसोम हम बताएंगे आज, है ना, मीसोसोम क्या होता है, इसमें एब्सेंट देखते हैं जी, ठीक है, इसमें मीसोसोम क्या होता है, आपको एब्सेंट होता है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट देखते हैं जी, ठीक है। ये तीन चार डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है जी, ठीक है। हमने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब देखते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसमें आपको एब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर बाय द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, मे और मे नॉट बी कवर बाय द सेल वॉल, इसमें क्या देखते हैं सर, मीसोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें मीसोसोम क्या होता है, आपको एब्सेंट होता है जी, ठीक है। इतना बात आप लोगों को कैच करना है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी कहना चाह रहे थे कि सर बैक्टीरिया में क्या देखते हैं, कि सर कोलेस्ट्रॉल के जगह पे एक अलग तरह का उसके पास क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, या उसके बाद अलग तरह का फैट होता है जी, जिसको हम लोग जी आपको हेक्सानोइड के नाम से बुलाते हैं। आगे देखेंगे ये सब चीज को जब हम लोग ह्यूमन प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, नोट्स में ये सब बात लिखा होगा, नोट्स पढ़िएगा आप, देखिएगा नोट्स में कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, है ना जी। उसके बाद हम लोग जब देख रहे थे इसमें, एक मिनट, हाँ, तो इसमें जो हम लोग देख रहे थे मीसोसोम के बारे में, अब हम लोग आपको नया टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम क्या, आपको मीसोसोम, मीसोसोम के बारे में बहुत कुछ जानना आप लोगों को, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया के बारे में कुछ याद करो ना करो, आप उसके मीसोसोम के बारे में जरूर याद कीजिएगा, 11th के लेवल में बहुत बीबीआई है। आप देखिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मीसोसोम जी, हम इस स्ट्रक्चर का क्या नाम रखे थे हम लोग, मीसोसोम के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। मीसोसोम एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की तरफ रहता है सर, डेफिनेशन लिखे क्या, है ना, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवार्ड द साइटोप्लाज्म, टुवार्ड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के तरफ झुका रहता है सर, या अंदर घुसा रहता है सर, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवार्ड द साइटोप्लाज्म। इसका हिंदी मतलब समझिए कि अगर आप इसको साइटोप्लाज्म मान रहे हो ना सर, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुसा रहता है, जैसे बैलून खुला हुआ, बैलून में हाथ घुसाते ना अंदर की तरफ, तो देखते उसका फिंगर लाइक फिगर बन जाता है अंदर की तरफ, उसी अंदर की तरफ जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसोसोम कहते हैं सर। तुम कहोगे सर क्या हम लोग में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, आप उसी पेज में फोटोग्राफ दिखाना शुरू कर दोगे ना, एक मिनट, जो हम बुक लाते हैं, बुक ले लाए, एक मिनट, बुक, बस बुक लेकर आते हैं।
आप लोग कहिएगा क्या कि सर बैक्टीरिया के पास जो है ना सर, हम लोग में भी सर क्या देखते हैं है ना, मिसोसोम होता है। मतलब बहुत लोग अभी हमको डाउट क्या दिखा देगा, डाउट दिखा देगा एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है ना जी, ये फोटोग्राफ देख रहे हो कोई है ना, इस फोटोग्राफ में आप कहेगा सर ये यूकैरियोटिक सेल है, देख रहा ना कोई लिखा हुआ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में आप ये फोटो देख के कहो सर ये भी तो हमको मिसोसोम, ये मिसोसोम नहीं है। तुम बस रट लो कि सर जी बोल रहे हैं कि मिसोसोम भी बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, तो सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, हम लोगों में मिसोसोम का नाम रद्दी मात्र भी नहीं आएगा। इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मिसोसोम इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे हम कहें ना कि भारत में आधार कार्ड उस भारतीय लोगों का पहचान है, उसी तरह से सर ये किसी दूसरे देश में आधार कार्ड नहीं हो सकता है जी, ठीक है, मतलब उसके लिए उसका अलग अपना आधार कार्ड होगा, हम लोग के लिए अपना अलग आधार कार्ड होगा जी, ठीक है। तो यहाँ वही बात है, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास मिसोसोम नहीं होते हैं जी, समझा रहा है। फोटोग्राफ देखे को लड़के हमको ये नहीं समझाने मतलब लगना कि सर ये सब तो मिसोसोम लग रहा है हमको, मिसोसोम सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। मिसोसोम को हम हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप कि बैक्टीरिया का सेल देखिएगा, ये उसका सेल हुआ, बैक्टीरिया का सेल है ये, इसका साइटोप्लाज्म कह रहे हो तुम इसको, तो सर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो झुका रहता है सर, ये अंदर की ओर जो देख रहे हैं आप, इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, मिसोसोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, मिसोसोम के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मिसोसोम जो देखते हैं है ना, एक टुवार्ड स्ट्रक्चर है ना, अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैंने साइटोप्लाज्म के टुवार्ड होता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद तुमको हम क्या बताना चाह रहे हैं है ना, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या, ये मिसोसोम जो देखते हैं सर, ठीक है, तो मिसोसोम जो देखते हैं, ठीक है, एक पॉइंट अगला आके आ रहा है आप लोग के सामने में कि सर जब हम लोग मिसोसोम को जब डील करते हैं तो मिसोसोम क्या होता है सर आपको है ना, ये एक आपको ऑल इन ऑल है आपको बैक्टीरिया के लिए, कुछ भी सर बैक्टीरिया के लिए कुछ भी करना हो, बैक्टीरिया को जिंदा रखना हो या कुछ भी करके देना हो बैक्टीरिया के लिए, सब का सब कौन करके देता है, मिसोसोम करके देता है जी, ठीक है। पहली दफा हम लोग मिसोसोम का आपको टाइप स्टेप देखेंगे, मिसोसोम कितने तरह का हो सकता है, मिसोसोम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3 तरह का होता है जी, आप 3 ही तरह का याद रखना है। एक देखिए लिखा होगा वेसिकल्स है ना, होगा वेसिकल्स, एक होगा टिब्यूल है ना, टिब्यूल या टिबुलर है ना, जो भी हो टिबुलर भी कह सकते हैं हम लोग, एक होता है लेमिलाई है ना, लेमी लेमिला, लेमिला के नाम से, या लेमिना लेमिना सॉरी लेमिना है ना, लेमिना के नाम से होगा है ना, लेमिना आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। जब आप किसी बैक्टीरिया के सेल को देखिएगा, मान लीजिए उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर, अगर ऐसा गठन हुआ बना हो सर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वेसिकल्स बुलाएंगे, वेसिकल्स, इसका हिंदी मतलब निकालो तो बर्तन होता है, बर्तन जैसे कटोरी हुआ ना, तो कटोरी जैसा मिसोसोम है ना जी, अगर आप इसको अच्छे से बना दें तो ऐसे होगा मिसोसोम की है ना जी, इसको तुम क्या कहोगी, वेसिकल्स। मतलब मिसोसोम को दिखने के आधार पर 3 तरह का मिसोसोम दिखता है सर, किसी किसी बैक्टीरिया में मिसोसोम कटोरी नुमा होता है, मतलब गड्ढा नुमा होता है सर, गड्ढे नुमा के लिए हम लोग वेसिकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी, या नहीं तो सर क्या हो सकता है, ट्यूब जैसा हो सकता है, ये पाइप ट्यूब जैसा हो सकता है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, टिब्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, टिब्यूल के नाम से लाते हैं, जिसमें आपको ये पाइप नुमा दिखाई देता है जी, ठीक है। एक लास्ट वन है सर, जिसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है सर, आपको एक बर्तन नुमा ऐसे आपको दिखाई देता है, लेमिला, जैसे आप लोग कभी देखते हैं ना, कभी कोई बड़ा सा छिपा जैसा देखते हैं या बहुत बड़ा नहीं देखते, कभी प्रसाद उत्साद बांटना हो तो एक बड़ा सा आपको एक रहता है वो प्लेट है ना जी, तो बड़ा सा प्लेट जो देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेमिला कहेंगे सर, लेमिला मतलब प्लाज्मा में बहुत लंबा फैल गया सर ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह का देख रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, लेमिना के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। तो मिसोसोम 3 तरह का होता है, एक होता है सर आपको मिसोसोम जब देखते हैं हम लोग तो उसमें आपको 3 तरह का स्टेप होता है, वेसिकल्स, टिब्यूल और लेमिला। सर तीनों का काम एक के जैसा होगा, कुछ क्या करता है सभी छात्र में तुम लोग क्लियर हो ही जाएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग वेट कर रहे थे दिन से, मिसोसोम का फंक्शन है ना जी, मिसोसोम का फंक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है जी। मिसोसोम का जो फंक्शन की बात करेंगे तो सर भूल ना जाए आप, सबसे पहले सर ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। सोचो हम आपको बोले थे ना, तुक्का लगाना ना, कुछ भी बनाता है सर, बैक्टीरिया में कुछ भी नया देख रहे हैं वो सब मिसोसोम के कंट्रीब्यूशन से होता है। जैसे मान लीजिए ना, घर में कुछ भी आता है ना, तो आपके पापा के राजी से आया या मम्मी के मतलब हाँ कहने से ही आता है, उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन फंक्शन हेल्प इन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ये जी ये आपको क्या करता है, डीएनए रिप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, ये डीएनए को 1 से 2 बनने में मदद करता है जी, डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करता है जी, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन 1 डीएनए से 2 डीएनए बनने में मदद करता है, रिप्लिकेशन का हिंदी जानते हैं, जीरोक्स कॉपी फोटो कॉपी है ना, तो वैसे यहाँ पे डीएनए को डबल करने में भी मदद करता है मिसोसोम, सोचिए। तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ये है ना सर आपको डू रेस्पायरेशन,
रेस्पायरेशन का मतलब जानते हैं आप लोग, एनर्जी का बनाना, एटीपी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन में ये मतलब कुलर का ही मतलब है कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, उसका रेस्पायर। बहुत बेकार हंस देगा सब टीचर तुम पे। रेस्पायरेशन उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, जिससे तुम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हो। एक्चुअली में रेस्पायरेशन का क्या डेफिनेशन है, जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिक सामान को तोड़ करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। अगर आप 10th पढ़ के आए हैं तो वहां पे ग्लूकोज का टूटना है ना, ग्लूकोज का टूट के पाइरूविक एसिड बनना या इस तरह का जो केमिकल है उसको रेस्पायरेशन कहते हैं। समझ रहे हो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तो रेस्पायरेशन में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। एनर्जी बायोलॉजी में है ना एटीपी होता है, जैसे आप लोग कभी ठंडा मतलब कोको कोला बोलती हो ना, उसी तरह हमारे शरीर में एनर्जी का मतलब एटीपी होता है। जैसे आप फिजिक्स के मास्टर के साथ बैठ के बात कीजिएगा तो वो एनर्जी का मतलब बता देंगे हीट, गर्म चीज जो देखते हैं या ठंडा चीज देखते हैं उससे जो हीट निकलता है या टेम्परेचर निकलता है उसी को एनर्जी बोलते हैं। लेकिन आप हमसे सुनिएगा, बायोलॉजी में जब आपको एनर्जी का मतलब कोई पूछेगा तो इसका मतलब आप एटीपी जवाब दीजिएगा जी, ठीक है? आपको डू रेस्पायरेशन, एटीपी फॉर्मेशन, जारा जीवाशन में एक तोता के जैसा रट लोग एक ग्लूकोज को तोड़ता है सर, ये मिसोसोम एक ग्लूकोज को ब्रेक करता है, हम साबित कर देंगे एक दिन, पर एक ग्लूकोज को ब्रेक करता है सर या 38 ATP देता है। नोट्स सारा आस पास में है तो आप नोट्स में भी टिक लगा सकती हो। नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं, आप वहां पे देख के समझ जाइए कि एक ग्लूकोज को तोड़ता है सर मिसोसोम, तोड़ने से उससे 38 ATP निकालता है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी एनर्जी है। इस एनर्जी को अगर तुम यूटिलाइज करोगे तो एक कप चाय को आधा घंटा तक गर्म करने में जो हीट लगाते हैं तो उतना गर्म ही पैदा करता है सर 38 ATP, और उतना एनर्जी बैक्टीरिया को मिलता है अपना काम करने के लिए, ठीक है? और तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको, मिसोसोम, मिसोसोम क्या देखते हैं है ना जी, ये आपको क्या करता है सर आपको है ना, मिसोसोम है ना जी, आपको होल्ड DNA, एक तो पहले भी बोल देते हैं होल्ड होल्ड जीनोमिक DNA, जीनोमिक याद कीजिए, इसके ऊपर में ही ना जीनोमिक DNA और प्लाज्मिक DNA रहता था, होल्ड जीनोमिक, जीनोमिक DNA, जीनोमिक DNA एंड एंड प्लाज्मिक DNA एंड प्लाज्मिड, प्लाज्मिक DNA, ये जीनोमिक DNA को भी पकड़ता है और प्लाज्मिक DNA को भी क्या करता है सर, ये पकड़ता है जी। मिसोसोम का बहुत सारा काम है सर, उसमें से एक काम क्या देखते हैं हम लोग, ये DNA को पकड़ के रखने में भी ये मदद करता है जी, ठीक है? अब एक बात बताओ तुम लोग से, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई लाइनिंग ऐसे रखोगी, ठीक है, मान लेते हैं ये लाइनिंग ऐसे रखें और यहां से यहां तक गिन लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो दूरी है ना 4 सेंटीमीटर है, एक लाइन खींचे हम 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचे, तो सीधा लाइन खींचेंगे सर तो कितनों आदमी को बैठाएंगे, मान लीजिए एक आदमी 1 सेंटीमीटर का होगा, उस हिसाब से तुम कितना आदमी बैठा सकते हो उस पर, 4 आदमी बैठा सकते हैं ना, इतना दूर के एरिया में 4 ही आदमी ना रहेगा जी, क्योंकि एक आदमी को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इस हिसाब से 4 सेंटीमीटर के लेंथ पे चार चार आदमी बैठेगा, समझ आ रहा है क्या बना चाहे। लेकिन यही जगह पे हम ये कर दें कि इतना ही दूर के एरिया में हम इसको ऐसे घुमा दें, पूरा इस तरह से घुमा दें, ऐसे 4 सेंटीमीटर के रेंज में इतना घुमा दें, अब बताओ तो सर इसमें बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि तुम इसको न मारोगी सीधा करोगी तो ये तो ऐसे भाग जाएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो हम फिर से बोलते हैं, अगर आप किसी बेंच पे बैठते हैं, बेंच बहुत बड़ा है, 10 10 आदमी को बेंच है, लेकिन तुम हाथ ऐसे फैला लोगी इसका मतलब 10 आदमी का या 5 आदमी का तो जगह रोक लोगी ना, हाथ एकदम से सिकुड़ा देते, एक आदमी के लिए जगह रखे हुए थे ना, वैसा ही बात है। जब हम एक लाइन खींचते हैं सर और सीधा लाइन खींचोगे तो सर जितना जितना कैपेसिटी उतना ही रख पाइएगा ना, लेकिन इतना ही दूर में हम टेढ़ा मेरा लाइन खींच दे, ऐसा करके लाइन खींच दे तो इतना ही दूर के अंदर में तो बहुत ज्यादा आदमी को रख सकते हैं ना। गौर कीजिए, कोई लड़का समझ रहा है इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है ना जी, पहले एकदम स्ट्रेट था तो सर उसका कुछ ना कुछ लिमिट होगा, लेकिन जब आप घुमा दीजिए तो सर लिमिट बढ़ जाएगा ना, उतना ही डिस्टेंस में कुछ जाएगा दिमाग में, देखो ना, क्योंकि तुम ऑब्वियसली कह के कहेगा सर नंबर इसको आप सीधा कीजिएगा इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन जगह इसी में अटा लिए आप है ना जी, इतना ही जगह में अटा लिए जी। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे है ना जी, आप लोग कभी देखते भी होंगे ठीक है, कि एक स्कूल में बेंच भी रहता हो या डेस्क भी रहता हो और बेंच भी रहता होगी, ठीक है, डेस्क और बेंच दोनों रहेगा तो सर जगह ज्यादा छेकेगा ना जी, खाली बेंच रहे बैठने के लिए, जैसे कोचिंग समय जाओगे तो ज्यादा बेंच ही रहता है बैठने के लिए, तो उस पर जो बैठेगा आदमी सब, ठीक है, तो बताओ कौन ज्यादा जगह ले रहा है सर, ठीक है, मतलब कि बेंच डेस्क ज्यादा जगह है, डेस्क हटा के और ज्यादा बेंच लगा दे तो और ज्यादा आदमी रह सकता है, वही बात यहाँ पे भी है सर। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधा बना दोगे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहने दीजिए सर, इतना दूर है तो इतना ही ना लाइन होगा जी, लेकिन इसी जगह पे प्लाज्मा उठा उठा दीजिए अंदर की तरफ, ये जब उठ जाएगा सर इसका मतलब ऑब्वियसली सर इसका ज्यादा जगह हो गया ना, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया ना इसका जी, ठीक है। मिसोसोम जो बनाते हैं इसके नंबर कोई फिक्स नहीं होता है सर, सर मिसोसोम अनलिमिटेड हो सकता है ना, कुछ ही ग्राम निगेटिव में मिसोसोम इक्का दुक्का होता है और आपको ग्राम पॉजिटिव में मिसोसोम भरमार होता है, और मिसोसोम जितना ज्यादा होगा सर, ठीक है, टाइम है ना जी अभी, हेलो 5 मिनट 30 सेकंड
अच्छा, तो हम बता रहे थे कि आपको मीसोसोम जो देखते हैं हम लोग, मीसोसोम क्या होता है सर, जितना ज्यादा आपको मीसोसोम के वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक अगला पॉइंट देखिएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, नोट्स में सब लिखा हुआ है जी, इंक्रीज सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया सब लोग कॉमन सेंस लगा लिया होगा कि जितना ज्यादा इलाका बढ़ाइएगा सर तो सामान उतना ही ज्यादा रख सकते हैं ना। देखिए पहले आप सीधा रखते लाइनिंग, तो सीधा लाइनिंग रखते तो क्या होता, मात्र इतना ही सामान रख पाते, लेकिन सर आप टेढ़ा लाइनिंग लिख रहे थे, बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं। इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एंजाइम, इंक्रीज इंक्रीज एंजाइम कंटेंट, एंजाइम एंजाइम मतलब केमिकल है ना, एंजाइम एंजाइम कंटेंट, एंजाइम कंटेंट का मतलब क्या होता है सर, आपको सामान रखने का कैपेसिटी भी क्या होगा सर, आपको ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा है ना आपको मीसोसोम का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा आप एंजाइम के रखने की क्षमता भी रख सकते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं हम आपको, एंजाइम के कंटेंट रखने की क्षमता को ये बढ़ा देता है, ये मीसोसोम का खासियत है जी। आज हम लास्ट एंड फाइनल खासियत बता रहे हैं कि मीसोसोम क्या करता है सर, कलर को भी बनाता है सर, कलर भी है ना, स्टोर पिगमेंट या मेक पिगमेंट है ना, मीसोसोम क्या करता है आपको है ना, प्रोड्यूस या कंटेन कंटेन पिगमेंट, ये आपको क्या रखता है सर, आपको पिगमेंट भी रखता है जी। ठीक है, ये आपको पिगमेंट भी आपको रखता है जी, दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाहें, मीसोसोम का बहुत सारा काम, उसमें से एक काम क्या है सर, आपको ये पिगमेंट को भी जमा करने में ये मदद करता है जी। हो गया, समझा दिए, कोई दिक्कत पूछो तो, किसी को दिक्कत है? हेलो।